हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीहर कर्ड स्पेशल ओनियन चटनी रेसिपी। ये रेसिपी साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं और बनाने में बहुत ही इजी है। सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है और टेस्टी तो इतनी है कि आप उंगलियाँ ही चटते रह जाएंगे। घर में अगर कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस तरह से प्याज की चटनी बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट कर लिए हैं। इसमें 2 टीस्पून लाल तीखा मिलाएंगे और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा आपके हिसाब से कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डाल रही हूँ। प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट करना, उससे टेस्ट बड़ी अच्छी आती है। इसे बनाने में इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम लगते हैं और आसानी से बन भी जाती है। अब मैं 1.5 बड़ा चम्मच तेल यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। हमें तेल चटनी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। और तेल गर्म होने के जल्द ही बाद हम इसमें 2 चिमटी हींग डालेंगे। हींग डालते ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये तेल गरम ही हमें चटनी पर डालना है। ध्यान रहे तेल इतना गरम हो कि प्याज की चटनी पर डालते ही उसकी सर्र से आवाज़ आए। चटनी के लिए ज़्यादा ही तेल चाहिए इसलिए हम पूरा तेल इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब आप ये सिंहगढ़ की फेमस प्याज की चटनी घर पर ही जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस चटनी को आप मूंग दाल की खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। सिंहगढ़ पर ये चटनी भजिए के साथ या फिर पिठला भाकरी के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको ये चटनी घर पर बनानी है तो खाने के थोड़ी देर पहले ही बनाइए, ज़्यादा पहले नहीं बनाकर रखनी है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एज अ डिश या फिर साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सके। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।